कैसी होगी बुलेट ट्रेन और कैसा होगा इसका इंजन, प्रणय उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट आपने देखी और कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक मुख्य आकर्षण जरूर है इस बार, क्योंकि पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हर एक देशवासी को इंतजार है कि कब हमारे देश में बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। और टेक्नोलॉजी आपने देखी, शानदार टेक्नोलॉजी है। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, आपने इसकी झलक सामने से देखी और आपके माध्यम से हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसी बुलेट ट्रेन नजर आ रही है और कितना और इंतजार करना होगा देश को? देखिए, मेरे ठीक पास में ये मॉडल रखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि लाइव भी एक बार आपको दिखा सकूं, क्योंकि इसके अंदर जो खास तौर पर लोगों की उत्सुकता है, लोगों की उत्सुकता इस चीज को लेकर होगी कि आखिर इसमें बैठने की व्यवस्था कैसी होगी। तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर एक कंफर्टेबल, इसके अंदर चूंकि तीन सेगमेंट बनाए गए हैं जिन्हें इस कहा जा सकता है फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और स्टैंडर्ड क्लास, ये तीन इसके अंदर सेगमेंट होंगे। इसके अंदर बैठने के लिए आरामदायक सीटें होंगी, सीटें वैसी होंगी जैसे कि विमान के अंदर होती हैं। साथ ही इसके अंदर पहली बार इस तरीके की व्यवस्था होगी कि दिव्यांग लोगों के लिए भी अपनी व्हीलचेयर के साथ में वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर सकें, इस तरीके की सुविधा इसके अंदर दी गई है। हालांकि ये सफर फिलहाल 2 घंटे का होगा, यानी मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 2 घंटे का सफर होगा। और इस दौरान इसके अंदर जो बहुत ज्यादा केटरिंग की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके प्रोविजंस इसके अंदर रखे गए हैं। कंफर्टेबल ये होगी ट्रेन। इसके साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी में मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहां पर जो एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस जोन भी यहां पर तैयार किया गया है और उस एक्सपीरियंस जोन के अंदर आप जाके ये अनुभव कर सकते हैं कि दरअसल स्टेशन कैसा दिखेगा उसके अंदर आप जाते हैं। और ये केवल अनुभव है, जाहिर तौर पर लोगों की उत्सुकता होगी कि आखिर ये ट्रेन चलेगी कब। तो 2026 से इसके ड्राई रन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 100% जो लैंड एक्विजिशन है उसका काम कंप्लीट हो गया है। और भारत में बुलेट ट्रेन मालिका बहुत लिहाज से महत्वपूर्ण होने जा रही है। पहली बार बहुत सारी चीजें होंगी, समुद्र के अंदर से रेल का टनल अभी तक नहीं है, इसमें 7 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच है जो कि समुद्र के अंदर से इसका ट्रेन का ट्रैक होगा। साथ ही इसका जो 92% हिस्सा है, यानी 92% जो हिस्सा है वो जमीन से ऊपर होगा। इसके लिए खास जो है वो ट्रैक डाले जा रहे हैं, जमीन के ऊपर पिलर के ऊपर डाले जा रहे हैं, काफी मजबूत ये पिलर बनाए जा रहे हैं। और जो लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो चुका है, करीब 10 से 12 स्टेशन इसके अंदर होने वाले हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये लोगों की उत्सुकता बढ़ाती हैं, क्योंकि ये भारत की प्रगति की एक तरीके से निशानी कही जा सकती है। जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है उस तरीके से भारत की ट्रेनें भी बढ़ रही हैं तेजी से, और ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली देश की पहली ट्रेन होने जा रही है। क्योंकि अभी जो भारत में ट्रेनों की रफ्तार है, वंदे भारत की रफ्तार, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो जाहिर तौर पर हाई स्पीड ट्रेन का हर कोई इंतजार कर रहा है, इसके अंदर अनुभव का इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से ये परियोजना आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि ये तारीख जो है वो जल्दी ही आपके और हमारे अनुभव के लिए सामने हो। बिल्कुल प्रणय, और जिस तरह से आप खूबियां बता रहे हैं, मुझे लग रहा है ये लोगों की उत्सुकता को और बढ़ाएगा। कितनी खास है ये, और आपने बहुत सही बात कही कि ये बढ़ते हुए भारत, भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से भारत सशक्त हो रहा है, ये उसी की तस्वीर है। Z News.